ओम शांति। अपने दिव्य नयनों से स्वयं को देखें। दिव्य प्रकाश से भरपूर मैं मस्तक मणि हूं। मुझसे निकलता शीतल दिव्य प्रकाश सारे शरीर को आलोकित कर रहा है। इस दिव्य प्रकाश से प्रकृति से बना शरीर प्रकाशमय शरीर में परिवर्तित हो रहा है। मैंने तत्वों से बने शरीर के बदले एक प्रकाशमय शरीर धारण कर लिया है। मैं दिव्य फरिश्ता बन गया हूं। अनुभव करे मैं फरिश्ता उड़ते हुए सेकंड में पहुंच गया सृष्टि के ग्लोब पर। देखेंगे अपने आप को मैं आत्मा अपने संपूर्ण पवित्र फरिश्ता स्वरूप में सृष्टि ग्लोब के ऊपर बैठा हूं। परमधाम में स्थित पवित्रता के सूर्य शिव बाबा से निकली हुई पवित्रता की अनंत किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। और मुझसे होकर सारे सृष्टि पर फैल रही है। मैं फरिश्ता विश्व के वायुमंडल में चारों ओर भ्रमण करते हुए अपना दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला रहा हूं। प्रकृति के पांचों तत्वों को पवित्रता के वाइब्रेशंस दे रहा हूं।
मैं प्रकृति का मालिक, नीचे फैले हुए अथांग सागर को सप्त महाद्वीपों में विभाजित धरती को अंतरिक्ष में घूम रहे ग्रह तारों को पवित्रता की सकाश दे रहा हूं। पांचों तत्वों को पावन बना रहा हूं। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। अब अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखे अंतिम समय के दृश्य को। प्रकृति की बहुत हलचल है। समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखा रहा है। समुद्र की लहरें उछल खा रही है। सुनामी आ रही है। धरनी भी अपना प्रभाव दिखा रही है। जहां तहां भूकंप हो रहे हैं। मैं प्रकृति जीत आत्मा, प्रकृति की हलचल में भी अचल हूं। मुझ प्रकृति जीत आत्मा को प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकती। मैं साक्षी होकर प्रकृति के सब खेल देख रहा हूं। मैं फरिश्ता ऊंची स्टेज रूपी ऊंची पहाड़ी पर स्थित रहकर प्रकृति की हलचल से परे हूं। जितनी ऊंची स्टेज
उतना ही प्रकृति की हलचल से परे मैं प्रकृति जीत आत्मा, प्रकृति की हलचल में भी अचल हूं। ड्रामा के ज्ञान के आधार से मजबूत हूं। कुछ भी होते हुए, कुछ भी देखते हुए मेरे अंदर से यही आवाज निकल रही है, वाह मीठा ड्रामा, वाह। अपने समेटने की शक्ति द्वारा कुछ भी देखते हुए भी न देख, सुनते हुए भी न सुन, सभी बातों पर फुल स्टॉप लगाकर बिंदु बनकर निराकारी स्थिति में स्थित मैं प्रकृति जीत बन अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति के हर हलचल को स्टॉप कर देता हूं। अब चाहे चारों ओर किसी भी तत्व द्वारा कितनी भी हलचल हो रही हो, ये प्रकृति मुझ प्रकृति के मालिक की दासी बन सेवा करती है। अपने मालिक को सहयोग की माला पहनाती है। जहां मुझ प्रकृति जीत आत्मा का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान हो ही नहीं सकता। मैं प्रकृति जीत आत्मा अपने पुण्य की पूंजी के आधार पर अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा प्रकृति को परिवर्तन कर रहा हूं। अनुभव करे मुझ प्रकृति जीत आत्मा के शक्तिशाली पवित्र वाइब्रेशन से प्रकृति के पांचों तत्व पुनः सत्वप्रधान हो रहे हैं। धरा
अपनी खोई हुई चमक पुनः प्राप्त कर रही है। मुझ प्रकृति जीत आत्मा के ऑर्डर प्रमाण प्रकृति भी सुखदायी बन रही है। प्रकृति के पांचों तत्व मुझ प्रकृति जीत आत्मा का अपार सुखों से भरपूर स्वर्णिम दुनिया में इंतजार कर रहे हैं। जहां सूर्य मेरा भंडारी होगा, वायु मेरा नेचुरल पंखा होगा, नेचुरल साज बजाकर मेरा मनोरंजन का साधन बनेगा। आकाश मेरा राजपथ बनेगा। जल मेरे लिए इत्र का काम करेगा। धरती मुझे स्वादिष्ट फल और श्रेष्ठ अन्न देगी। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। ओम शांति।